स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 3.2 के क्वेश्चन कर लिए, आज हम 3.3 के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जो ये दिए गए बिंदु हैं इनकी स्थिति निर्धारित करनी है और हमें ये बताना है ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। एक तो इनकी स्थिति बतानी है भी ये कहां पर स्थित होंगे और ये कौन से चतुर्थांश में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो रेखाएं होती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। एक होती है हमारी एक्स अक्ष, यहाँ पर एक्स 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 के मान माइनस के, इस पर एक्स के मान प्लस के। वाई वाई डैश, वाई के मान इस पर प्लस के, इस पर माइनस के, और यहाँ पर ये हमारा मूल बिंदु 0.0। तो यहाँ पर एक सेमी इक्वल मान लेते हैं एक इकाई, एक सेमी इक्वल एक इकाई पैमाना मान लेते हैं। x की वैल्यू प्लस की तो प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5। फिर x की वैल्यू माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 5। y की वैल्यू ऊपर की तरफ प्लस की तो प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 और प्लस 5। इनका ये गैप कितने कितने सेमी का है? एक एक सेमी। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार और माइनस। इस फर्स्ट पॉइंट को हम मान लेते हैं, इसको बी सी डी और फर्स्ट पॉइंट है माइनस दो कोमा चार। एक्स की वैल्यू जो है हमारी माइनस दो है, वाई की वैल्यू है प्लस की चार। तो एक्स की वैल्यू माइनस दो, y की वैल्यू प्लस के चार यहां पर है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा? ए पॉइंट। क्या आ गया? ए पॉइंट माइनस दो कोमा चार। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट चतुर्थांश। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है 3, -1। एक्स की वैल्यू प्लस 3, वाई की वैल्यू माइनस 1। एक्स की वैल्यू यहां पर है प्लस के 3, वाई की वैल्यू माइनस 1। यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट, तो बी पॉइंट 3, -1। फिर नेक्स्ट पॉइंट है -1, 0। यहां पर x की वैल्यू है -1, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। y की वैल्यू 0 इस पूरी x अक्ष पर होती है, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट -1, 0। नेक्स्ट है डी पॉइंट 1, 2। तो 1, 2 यहां पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। D पॉइंट हमारा आ गया 1, E पॉइंट है -3, -5। -3 x की वैल्यू और -5 y की वैल्यू, ये पॉइंट आ गया यहां पर हमारा E पॉइंट -3, -5। अब देखो इसमें बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। पहला A पॉइंट हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, सेकंड चतुर्थांश में है। B पॉइंट इस प्रकार से आप बता दोगे जो पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इसका पैमाना मान लो एक सेमी इक्वल एक इक्वल और उसके क्वाड्रेंट बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षों पर दूरी लेकर, अक्षों पर दूरी लेकर हमें बिंदुओं को अलेखित करना है। सिर्फ देखो यहां पर इसमें x और y की वैल्यू दे रखी है सेकंड क्वेश्चन में, x और y। x की वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 3। फिर y की वैल्यू है इसमें 8, 7, -1.25, 3, -1, 3 और -1। अब इसको अलेखित करना है सिर्फ,
तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। एक्स एक्स डैश यहां पर मूल बिंदु, एक उर्ध्वाधर रेखा एक क्षैतिज दोनों यहां पर काटती है वो होता है मां मूल बिंदु। वाई वाई डैश पैमाना मान लेंगे वही हमारा एक सेमी इक्वल एक इकल। क्या मान लिया हमारा एक सेमी इक्वल एक इकल। एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से -1, -2, -3, -4, -5। y की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू हमारे पास 8 तक है तो प्लस 8 तक लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर y डैश -1, -2, -3, -4। पहले x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, x का मान -2, ये यहां पर इस रेखा पर x के मान माइनस के होते हैं, y की वैल्यू है 8 तो यहां पर आ गई y की वैल्यू 8, तो ये हमारा बिंदु हो गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 7, तो यहां पे आ गई x की वैल्यू देगी -1, y की वैल्यू यहां पर प्लस के साथ। फिर 0, -1.25, x का मान 0, इस पूरी y अक्ष पर x का मान हमारा 0, y की वैल्यू -1.25, तो -1, -1.25 यहां पर आ गया। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, तो ये हमारे यहां पर पॉइंट थे। सिर्फ हमें उसने पॉइंट ही बोला था, इनकी वैल्यू ले लेते हैं क्या, -2, 8 ये पॉइंट था। ये हमारा यहां पर x की वैल्यू -1 थी, y की वैल्यू +1, 7, ये पॉइंट हमारा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25, ये पॉइंट हमारा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, यहां पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। सिर्फ इनको यहां पर काफी है अलेख में, इस प्रकार इनको अलेखित ही करना था। तो यहां तक इसके इतने क्वेश्चन है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट है। जो भी आपके डाउट है वो आप मैसेज वगैरह करके क्लियर करो। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।